नमस्कार। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रियंका चाहर चौधरी का ब्रदर यानी कि योगेश बिग बॉस के घर के अंदर गया। अंदर जाकर उसने प्रियंका को दो बड़ी बातें समझाई बोली और प्लस कुछ बातें समझाई जो उन्होंने बताई हैं और साथ ही साथ दो बड़े खुलासे किए हैं। जी हाँ, ऐसे बवाल भोकाल खुलासे जिन्हें सुनकर आप लोग भी बोलेंगे ओ माई गॉड क्या बात है। स्वागत है चैनल टेली खजाना में। मैं हूँ आपका यार होगा यार होस्ट राहुल। वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, RAHULBHOJ। चलिए दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं कि आखिरकार योगेश भाई ने क्या बात बोल डाली है प्रियंका चाहर चौधरी के बारे में। दो बड़े खुलासे हैं, घर के अंदर वो प्रॉपर रहकर आए हैं। शिव की आई, योगेश और साथ ही साथ फाहा खान, ये तीनों एक साथ गए। अब तीनों एक साथ जो जाएंगे वो जाएंगे निमृत के पिताजी, इसके साथ साथ अपना ये क्या कहते हैं सैन की मामी और साथ ही साथ अर्चना का भाई, ये तीनों एक साथ गए हैं। तो दोस्तों जब योगेश आए बाहर तो उन्होंने बातचीत करी है और बता दूं आपको दो बड़े जो खुलासे करे हैं वो सबसे पहला तो यही कहा है कि मैंने प्रियंका चाहर चौधरी को यानी कि अपनी बहन को एक बात समझाई और कहा कि बहन तू जैसा खेल रही है वैसा खेलते रह, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी तरीके से जा रही है, लोग तुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। भाई फैक्ट है, प्रियंका को आज ही वोटिंग में खड़ा कर दो, चाहे उसके सामने आप कितनी ही चीटिंग कर दो, लेकिन साजिद खान को खड़ा कर दो, प्रियंका नंबर वन पर होगी। ये बात है, ये फैक्ट है दोस्तों, एंड ये सर्वविदित है कह सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों तो प्रियंका यहाँ पर जो है पहला बड़ा खुलासा तो ये किया कि प्रियंका फॉर जीतेगी ही जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि प्रियंका जीतेगी और प्रियंका को मैंने बता दिया कि प्रियंका आखिरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसा खेल रही है। दूसरा, योगेश भाई ने सबसे बड़ा खुलासा ये कर दिया दोस्तों कि प्रियंका को टफ कॉम्पिटिशन शिव और स्टैन देंगे। तो यानी कि अर्चना निमृत ये कोई भी लाइन पर नहीं है बल्कि स्टैन और शिव है। मुझे समझ में नहीं आता स्टैन किस बात का, क्योंकि स्टैन की अगर देखा जाए तो वो फैंडम की वजह से आगे है, उसका कंटेंट कुछ नहीं है, राइट? कंटेंट एकदम नल था उसका, लेकिन ठीक है चलो क्या कर सकते हैं, अब जब स्टैन के फैंस इतने हैं क्या करें। तो स्टैन और शिव पर्टिकुलरली प्रियंका के लिए अभी जो है बड़े टारगेट हैं, मतलब इन द सेंस उसको पीछे करने के लिए शायद वो आगे आ सकते हैं ये वो, लेकिन प्रियंका जीतेगी ये बात का वो खुलासा करते हैं। योगेश भाई की अगर बात बताऊं दोस्तों तो उनका प्रोमो भी आया है, प्रियंका उनको देखकर खुशी से उछल पड़ी है, भैया करके एकदम, भाई तू ऐसे करके गले लगा दिया है और फिर हंस रही है और वो जैसा वो करती है अंकित के लिए जिस तरीके से वो टेक केयर करती है वैसे ही वो यहाँ पर भी अपने भाई की टेक केयर करते हुए भी नजर आती है। तो ओवर एंड ऑल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि प्रियंका और क्या धमाल करेंगी। आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं और बने रहें इसी तरीके की चटपटी अपडेट्स के लिए। टेक केयर।